चतुर्भुजम् त्रिनेत्रं च प्रसारितजटान्वितं गौरवर्णसमायुक्तं बर्हिपिञ्जरं अनुराधा बेटा मेरी राय में इस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट बना देना चाहिए। जी नहीं अप्पा, ये प्रॉपर्टी मेरी नानी की है, अम्मा के बाद ये कानूनी तौर पर मेरी होगी। लेकिन ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है अनुराधा, मेरे अप्पा ठीक ही कह रहे हैं, एक ट्रस्ट ही इसे ठीक से संभाल पाएगा। अम्मा अप्पा, जिसकी वैल्यू 500 करोड़ से कम नहीं है, आप लोग ये फैक्ट समझते क्यों नहीं हो? कौन सी दुनिया में रहते हो? हाँ दूध वाला मैडम, सुना है आप लोग नए आए हो तो सोचा पूछ लो, कितना पैकेट? टोंड या फुल? मैंने तुम्हें बुलाया? जी नहीं, जब तक मैं बुलाऊं नहीं दोबारा यहाँ आना नहीं। प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कब करने वाले? तेरी अम्मा की अस्थियां भी ठंडी भी नहीं हुई। किससे मिला साहब? देवेंद्र शंकर के यहाँ जाना है। साहब, मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। मालती, अम्मा का पंप लेके जल्दी जा, जया 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 जल्दी लेके आ, जल्दी जया, पकड़ 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 अम्मा, जया अम्मा 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 पता चला क्यों अम्मा को मैं अपने साथ रहने के लिए बुला रही थी? आपने कभी अम्मा की ठीक से देखभाल की ही नहीं अप्पा। मुझसे जो हो सका मैंने सब किया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की मैंने। मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ? आपको क्या लगता है मैं अम्मा की देखभाल नहीं कर सकती? तुम अपनी देखभाल ठीक से कर लो, वही बड़ी बात होगी। पर अपनी अम्मा अप्पा का इतना ख्याल है तो अकेली नहीं रहती है, हमारे साथ रहती है, हमारा सहारा बनके। आपको ना तो कभी मेरा सहारा चाहिए था और ना ही साथ, और ना ही आप ये चाहते थे कि अम्मा कभी ठीक हो जाए। तुम्हारी अम्मा की ये जो हालत है वो टेंशन की वजह से है।
उस टेंशन का सबसे बड़ा कारण तुम हो बेटा। अम्मा, अम्मा, मेरी ब्लू फाइल किधर है? कितनी बार मना किया, मेरी कोई भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अनु, क्या हुआ बेटा? मेरी वो ब्लू फाइल, वो ओमान की एप्लीकेशन वाली फाइल, वो किधर है? जरा आराम से, ठंडे दिमाग से ढूंढ, मिल जाएगी। ठंडे दिमाग से ढूंढू क्यों मैं? हिली कैसे मेरी जगह से वो फाइल? यही तो मुझे समझ नहीं आता कि कोई हाथ क्यों लगाता है। मालती, आजा, जरा यहाँ। क्या अम्मा? तूने अनु की कोई ब्लू फाइल कहीं रखी है क्या? वो? हाँ। वो तो नीचे पड़ी थी, मैंने ड्रावर में रख दी। ये मेरी इतनी मोटी फाइल, ये नीचे गिरी थी। नीचे गिरी थी दीदी? तू मेरे कमरे में आई क्यों? अम्मा, मैंने कितनी बार कहा है मेरे कमरे में किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो आपने संपर्क औरत को मेरे रूम में आने क्यों दिया? रखोगी बेस्ट है, नहीं रखोगी हमें रखना होगा। और वैसे भी बेटा, गंदगी में जीना कोई जीना नहीं होता है। मेरी लाइफ है, मैं जैसे जीऊं जहां जीऊं मेरी चॉइस है अप्पा, और मुझे कोई नहीं बताएगा मुझे कैसे जीना है, खास करके ये अनपढ़ गवार औरत तो कभी नहीं। शांत शांत बेटा, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। जब तक मुझे वो मेरा पेपर नहीं मिलता, मैं शांत नहीं हो सकती। गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता बेटा। एक कागज के टुकड़े के लिए तू इतना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही है सबका? कागज का टुकड़ा नहीं है वो, बहुत ही खास पेपर है वो। तो खास जगह रखा करो ना बेटा, इधर उधर छोड़ने का क्या मतलब है? मेरे कमरे में कोई भी चीज इधर उधर नहीं होती अब्बा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी प्राइवेसी जैसी बेसिक चीज की कदर नहीं है, तो मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। देखो अनु, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे यहाँ रहना नहीं है मतलब क्या है? रहना नहीं का मतलब है कि मुझे आप फ्लैट की चाबी दो आज से, मैं वहीं रहूंगी अकेले, फिर मैं देखती हूँ मेरी कोई भी चीज अपनी जगह से हिलती कैसे है। बेटा, अम्मा, मुझे चाबी दो। I'm going right now. मैं छोड़कर नहीं गई थी अप्पा, आप लोगों ने मुझे मजबूर किया था घर छोड़ के जाने के लिए। जिंदगी नरक बना दी थी मेरी। जिंदगी तो नरक हुई है बेटा, किसकी जिंदगी नरक हुई है सब जानते हैं। और टेंशन दी तूने अपनी अम्मा को, अपनी नानी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए, जो आप उन्हें करने नहीं दे रहे थे। अगर करने दिया होता ना, तो आज आईसीयू में नहीं होती। आपको पता था उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसके बावजूद आपने कुछ नहीं किया, एक उंगली तक नहीं उठाई। आज अम्मा 2 महीने से कोमा में, सिर्फ आपकी वजह से। तुम्हारे अप्पा भी अकेले हो गए, अगर तुम वापस यहाँ पर लौट आओ तो दोनों के लिए अच्छा होगा। अच्छा ये होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अनु, तुम्हारा कजिन होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा था। श्रीधर अन्ना, मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें ज्ञान दूँ कि तुम्हें अपने अप्पा के साथ कैसे पेश आना चाहिए, अच्छा लगेगा? मेरे और मेरे अप्पा के बीच की बात यहाँ पर कहाँ से आई? मुझे बस दौड़ापा की फिक्र हो रही थी, इसलिए कह रहा था। तुम शिफ्ट हो जाओ यहाँ, प्रॉब्लम खत्म। पापा मैं जा रही हूँ। रुक जाना अनु। क्यों रुकूं? तेरी अम्मा की अस्थियां भी ठंडी भी नहीं हुई। जीते जी तो कभी फिक्र की नहीं, आज अस्थियों की बड़ी फिक्र हो रही है। मैं जा रही हूँ अप्पा, बस एक बात पूछनी थी, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कब करने वाले हो? बेटा कम से कम आज के दिन तो बात मत छेड़ो। तो आप तय करो किस दिन ये बात छेड़ूं, उस दिन आके छेड़ूंगी, लेकिन छेड़ूंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। मुझे फोन करना, ज्यादा देर मत करना, मुझे अम्मा के जैसे टेंशन में नहीं मरना। तुम्हें काम करना कि सीधे मुंह बात भी नहीं करती,
दिन ब दिन उसका बर्ताव और भी बिगड़ता जा रहा है। बेटा तुम बेलगांव में ही हो ना? जी मामा जी। बेटा तुम देवेंद्र अन्ना के टच में रहना, वो अकेले हो गए। ऑफ कोर्स मामा जी, मैं रेगुलर टच में रहूंगा। मैंने मालती से बात कर ली, वो घर का सारा काम संभाल लेगी। मामा जी मुझे पता नहीं मालती खाना बनाती है या नहीं, पर मेरे ऑफिस में एक बहुत अच्छी टिफिन सर्विस है, मैं उसे यहाँ शुरू करवा देता हूँ। ठीक है। बेलगाम के देवेंद्र शंकर के परिवार पर एक ट्रेजेडी का कहर टूट पड़ा। देवेंद्र की अर्धांगिनी जयालक्ष्मी के गुजर जाने के बाद देवेंद्र अधूरे रह गए थे। ऊपर से जख्म पर नमक का काम कर रहा था देवेंद्र की इकलौती बेटी अनुराधा का लगाया हुआ इल्जाम कि जया की मौत का कारण खुद देवेंद्र थे। अनुराधा का ये एबनॉर्मल बर्ताव इस परिवार को कई और यातनाएं देने वाला था, और इनमें से एक यातना ने जन्म दिया एक संगीन जुर्म को। आपने कहा था अम्मा की 13वीं के बाद, आज 13वीं के दिन को गए हुए 13 दिन हो गए। आज और अभी बता दो प्रॉपर्टी मेरे नाम कौन सी डेट को होने वाली है। तू एक बार घर तो आ जा बेटा, आराम से बैठकर बात करते हैं। आराम से तो आप बैठे हुए हैं अप्पा, मेरे हक की प्रॉपर्टी पर। बस आप मुझे साफ साफ बता दो कि प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं। मैं ले लूंगी और अपने वकील के साथ सारा पेपर वर्क रेडी कर लूंगी। आप साइन करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी मेरी। बस अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करूंगी। हम हजारों बार इस बारे में बात कर चुके हैं, मेरी प्रॉपर्टी कोई ट्रस्ट को नहीं जाएगी। नानी ने वो प्रॉपर्टी अम्मा को दी और अम्मा के बाद हकदार हुई मैं। आप सिर्फ एक नॉमिनी है, आपका एक स्क्वायर इंच पर भी कोई हक नहीं है। मैंने कब कहा कि प्रॉपर्टी पर मेरा हक है? तो फिर पूरी प्रॉपर्टी सीधे सीधे मेरे नाम पे ट्रांसफर क्यों नहीं करते हैं आप? आप चाहते क्या हैं? मैं क्या चाह सकता हूँ बेटा, यही कि तुम हमेशा खुश रहो, मेरी इकलौती औलाद हो तुम। तो अगर आप अपनी इकलौती औलाद को खुश देखना चाहते हैं तो उसे खुश करते क्यों नहीं है? पहले आपने अम्मा को मरने दिया अपनी लापरवाही के कारण, और अब जो मेरे हक का है मुझे दे नहीं रहे। खुलकर बता दीजिए ना कि आप चाहते क्या हैं। चलती हूँ साहब। मैडम हम लोग होम डिलीवरी भी करते हैं, बस आप एक फ़ोन कर दीजिएगा, हम घर पे पहुंचा देंगे। मैंने कॉल नहीं किया, मतलब मुझे तुम्हारी या तुम्हारी किसी भी लड़के की शक्ल नहीं देखनी मेरे दरवाजे में, और आइंदा से मुझसे ऐसे फालतू की दोस्ती करने की कोशिश मत करना। गॉट इट? सब ले लिया ना? अरे अनुराधा, बहुत दिनों बाद कहीं बाहर गई थी। किसके साथ गई थी ये भी बता दो। क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? किसी की प्राइवेट लाइफ में नाक घुसेड़ना किस एंगल से सही है? हाँ कितनी बार बोला है तुम्हें, जब वो बात करना चाहती नहीं तो तू क्यों जबरदस्ती बात करती हो? अरे मैं बात कहाँ कर रही थी, बस हाय हेलो हाल चाल तो पूछ रही थी। आप भी नहीं देख लिया ना क्या जवाब मिला तुम्हें हाय हेलो का? पागल औरत है वो। अरे बाबा मैं जानती हूँ थोड़ी अजीब है। बेकार का हाय हेलो कर ना, लेना ना देना, कहाँ थी, क्यों थी, कब थी? नॉनसेंस।
हेलो अनु बेटा, अभी तुम्हें याद कर रहा था। क्यों, पेपर साइन हो गए, देने थे मुझे। नहीं बेटा, वो ऐसा है कि टिफिन वाले ने आज करेले का अचार भेजा था, तो सोच रहा था तुम होती साथ में खाना खाते। मुझे आपके साथ खाना नहीं खाना है, और आप मेरा दिमाग खाना बंद कीजिए। ऐसा मत बोलो बेटी, मैं साइन कर दूंगा। कब? अम्मा की तरह मुझे मार डालने के बाद? बेटा तुम ऐसा दिल दुखाने वाली बात करती हो तो जी करता है कि तुम्हारी अम्मा के साथ मैं भी क्यों नहीं चला गया। नहीं अप्पा, आप चाहते हैं अम्मा के साथ मैं क्यों नहीं चली गई, ताकि नानी की दी हुई मेरी लीगल प्रॉपर्टी पे आप इलीगल कब्जा कर लो। ऐसा मत बोलो बेटी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन आप नहीं जानते अप्पा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। इसे आप एक वार्निंग समझ लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। अनुराधा का बर्ताव अजीब और रहस्यमय था, लेकिन उससे भी बड़ा एक और रहस्य खड़ा हुआ जब दो दिन बाद अनुराधा के पिता देवेंद्र शंकर पता नहीं कहां चले गए। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। मॉर्निंग वॉक पे गए हैं क्या? देवेंद्र साहब? हाँ। पता नहीं गए नहीं गए, वैसे तो रोज जाते नहीं ना। पर गए होंगे मन बहलाने, आएंगे तो बोल देना मालती आके गई। हाँ फोन करें, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है। नीवु डायल ಮಾಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ। श्रीधर बेटा, देवेंद्र अन्ना का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बैटरी डेड हो गई अप्पा, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करो। बेटा मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, मैं प्लांटेशन पहुँच कर वहाँ से ट्राई करता हूँ। हाय श्रीधर अन्ना, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस में हो ना? हाँ ना, क्यों क्या बात है? अरे वो देवेंद्र दौड़प्पा को मैं और अप्पा सुबह से फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, दो दिन पहले बात हुई थी मेरी। वो क्या है ना, आपा थोड़े से टेंशन में आ गए, तुम प्लीज घर जाके चेक करोगे? या अन्ना, नॉट एन इश्यू, पर आपने अनु से बात की? शायद उसे कुछ पता हो। 10 मिनट पहले अनु से बात की थी। ये क्यों फोन कर रहा है? क्या है? अनु तुम्हारे अप्पा कहाँ है? घर पर होंगे, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सुबह से। तो मैं क्या करूं, फोन कंपनी से कंप्लेन करूं? तुम्हारी लास्ट बात कब हुई थी उनसे? श्रीधर अन्ना, मुझे बात रिपीट करना बहुत इरिटेटिंग लगता है, दूर रहो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि अप्पा कहाँ है कहाँ नहीं, और उनका फोन क्यों नहीं मिल रहा। दिन ब दिन और भी अजीब होती जा रही है, कितना रूड बात करती है। मैं तो कभी बात ही नहीं करता, इनफैक्ट जया मामी की डेथ के बाद आई थिंक एक बार भी बात नहीं हुई होगी। अरे प्लीज घर जाके चेक करोगे ना? 1.5 घंटे में मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं सीधा देवेंद्र मामा के घर चला जाता हूँ। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, ठीक है? डोंट वरी। किससे मिला साहब? देवेंद्र शंकर के यहाँ जाना है, वो मेरे अंकल हैं। जी एक मिनट, यहाँ एंट्री कर दीजिए सर। सीधा सर।
पूरे दिन से फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने भी आने के पहले कई बार ट्राई किया, लेकिन एक बात बहुत अजीब है, डोर बेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अंदर की एक भी लाइट नहीं जल रही है, लेकिन उनकी कार यहीं पर पार्क्ड है। मामला कुछ सीरियस लग रहा है हरी। अन्ना मुझे लगता है मैं अनु से सख्ती से बात करनी होगी, उसके पास बंगलों की चाबियों का एक्स्ट्रा सेट जरूर होगा। अनु फोन बार बार कट कर रही है अपा। मुझे डर लग रहा है भाई, कुछ हो गया लगता है। मैं तो कल सुबह से ही ड्यूटी पर हूँ साहब, वो नाइट वाले का पेट खराब हो गया था तो डबल शिफ्ट कर रहा हूँ। तो तुमने देवेंद्र मामा जी को बाहर जाते देखा ही नहीं? पक्का नहीं देखा सर। दरअसल उनकी नौकरानी मालती आई थी सर, वो बोल रही थी कि शायद मॉर्निंग वॉक के लिए गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है साहब कि कल शाम को अपनी बेटी के घर गए हैं शायद। अच्छा सुनो, वो रात में कितना भी लेट आए मुझे फ़ोन कर देना, अपना नंबर बोलो, मैं तुम्हें मिस कॉल देता हूँ। चिंता का विषय है अपा, लेकिन आप इतनी भी टेंशन मत लो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपा, मैं कल सुबह सुबह जा रहा हूँ बेलगाम, सीधे दौड़ापा के घर जाऊँगा, अगर वहाँ पर वो नहीं है तो पुलिस स्टेशन। पूरी रात देवेंद्र शंकर का फोन खामोश रहा, रात भर उस घर में अंधेरा छाया रहा। इस खामोशी से, इस अंधेरे से मनुष्यत की बू आ रही थी, और देवेंद्र शंकर की बेटी, इकलौती बेटी अनुराधा को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उसके पिता कहाँ हैं और किस हाल में हैं। सर वो सीनियर सिटीजन है, 70+। मैं उनके छोटे भाई राजेंद्र शंकर का बेटा हूँ, श्रीधर शंकर, कोची से आया हूँ। सर आप मिसिंग कंप्लेंट लिखाने कोची से यहाँ आए? उनकी बेटी यहीं बेलगाम में रहती है? हाँ। वो क्यों नहीं आए? सर वो थोड़ी सी अलग है सर, वो मतलब ऑफ है दिमाग से। ओह आई एम सॉरी। अकेली रहती है? मेरा मतलब है अपनी देखभाल कर पाती हैं? नहीं नहीं सर, वैसे सब तो ठीक है, लेकिन सबके साथ थोड़ा सा अजीब सा बर्ताव करती है सर, सबके साथ। तो आपने उन्हें बताया कि उनके अप्पा गायब हैं, फ़ोन स्विच ऑफ है और घर का दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा? हाँ सर, मैंने फ़ोन करके पूछा था कि डोडाप्पा कहाँ है, तो उसने कहा उसे पता नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने जितनी बार भी फ़ोन किया कल रात से, उसने फ़ोन कट कर दिया। सर मुझे डोडाप्पा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, 24 घंटे से ऊपर हो गए लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम देवेंद्र शंकर जी के घर चलते हैं, ताला तोड़ना पड़ेगा। अनु के पास डुप्लीकेट चाबियों का एक सेट है। तो तुम भी यहाँ से गायब हो जाओ। रुकिए मिस। अब ये क्या तमाशा है? तमाशा आप कर रही हैं। आपके अप्पा गायब हैं। उनका फोन स्विच ऑफ है। हमें घर के अंदर जाना है। प्लीज चाबी दीजिए। मैंने कहा था ना सर, वो थोड़ी सी अजीब है। 7 महीने बाद देख रहा हूँ, फिर भी वो बिल्कुल नहीं बदली। मुझे दोबारा डिस्टर्ब किया तो आप सब पर मैं केस कर दूंगी हाई कोर्ट पे।
यहाँ कुछ तो हुआ, अंदर देखो। घर में कोई नहीं। पर इस घर में कोई था जरूर, देवेंद्र शंकर के अलावा इस घर में कोई और भी मौजूद था। खून बहा है यहाँ, तुरंत फोरेंसिक टीम को फोन लगा। सर अनु और दौड़ापा के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। दौड़ा माँ की डेथ के बाद तो अनु यहाँ पर आती भी नहीं थी। दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा था? किसी लड़के को लेकर? नहीं सर, अनु की नानी की प्रॉपर्टी को लेकर, जो उन्होंने जया दौड़ा माँ के नाम पर कर रखी थी और अनु उसे खुद के नाम पर करवाना चाहती थी। बेलगाम में कहाँ है ये प्रॉपर्टी? नहीं सर, मुंबई में, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ये तस्वीर गायत्री देवी जी की है ना, फेमस भरतनाट्यम डांसर? हाँ सर, अनु की नानी, मुंबई की प्रॉपर्टी इन्हीं की थी। वहाँ पर डांस स्कूल चलता था, लेकिन इनके जाने के बाद वहाँ का डांस स्कूल बंद हो गया। अनु और दौड़ापा के बीच इसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। सर, सैंपल्स एनालिसिस के बाद रिपोर्ट तो मैं आपको बाद में भेजूंगा, बट आई थिंक यू आर राइट, यहाँ कुछ तो जरूर हुआ है। हालांकि घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है, लेकिन फिर भी क्राइम सीन तो है सर। सारे विजिटर्स की एंट्री होती है? जी साहब, जो जो आता है सबकी एंट्री होती है। 11 दिसंबर को देवेंद्र शंकर के घर में एंट्री है। मालती, ये मालती कौन है? वो घर पे काम करती है सर। मनीष, ये मनीष कौन है? वो देवेंद्र साहब के लिए टिफिन लेकर आता है साहब, सारे का टिफिन सर्विस है। 12 दिसंबर की भी एंट्री है? वो होएंगे साहब, 12 दिसंबर यानी कल साहब मैं छुट्टी पे था। क्यों? सर तबीयत ठीक नहीं थी, पेट खराब था सर। तुम्हारी जगह पे कौन था फिर? सर वो दूसरा वॉचमैन राहुल पटनी, वो डबल ड्यूटी पे था सर। फोन करो उसे और बोलो कोटिकर पुलिस थाने में आए जल्दी। देवेंद्र शंकर का घर उथल पुथल पाया गया था, वहां कुछ खून के धब्बे मिले थे जो दस्तक दे रहे थे कि उस घर में कोई जुर्म हुआ है। लेकिन सवाल यह था कि देवेंद्र शंकर थे कहां? जैसे जैसे इस मिसिंग कंप्लेंट की तहकीकात होती गई, वैसे वैसे प्याज की परतों की तरह देवेंद्र शंकर के गायब होने का रहस्य और गहरा होता गया। साहब 11 की सुबह से लेकर 12 की शाम तक मैं ड्यूटी पर था साहब, उस दौरान देवेंद्र साहब के घर मालती और टिफिन वाले के अलावा और कोई नहीं आया साहब। डबल ड्यूटी क्यों करनी पड़ रही थी? वो साहब स्वामी का पेट खराब हो गया था, इसलिए मजबूरन डबल ड्यूटी करनी पड़ी, और डबल ड्यूटी क्या साहब, ट्रिपल ड्यूटी करनी पड़ी। सो हो जाते हो बीच में? नहीं साहब, सो कैसे सकते हैं, हर आने जाने वाले का एंट्री कराना हमारा काम है साहब। हर आने जाने वाले का मतलब रिश्तेदार भी? हाँ साहब, आप रजिस्टर चेक कीजिए साहब, हरी साहब आए थे, देवेंद्र साहब के रिश्तेदार हैं, उनका भी एंट्री किया मैंने। अचन की बेटी कभी आती है अनुराधा, उसकी भी एंट्री करवाते हो? नहीं साहब, वो तो घर की मेंबर है ना साहब, लेकिन साहब जितना टाइम मैं ड्यूटी पर था मेम साहब नहीं आई थी। हाँ सर, वो सारी का टिफिन सर्विस मैंने ही शुरू करवाई थी मामा जी के लिए। आपने बताया था कि उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है मुंबई में, राइट? हाँ सर, बहुत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है मुंबई में, एकदम प्राइम लोकेशन पर। अनु की नानी के जाने के बाद स्कूल तो बंद हो गया, लेकिन अब बिल्डर उस जगह की मुंह मां की कीमत देने के लिए तैयार है। मार्केट वैल्यू लगभग 500 करोड़ होगी। 500 करोड़, ये कीमत आपको कैसे पता? कैसे मतलब, सुना है। सर कहां से सुना है? बातों बातों में। सर इस प्रॉपर्टी को लेकर अनु और दौड़ाप्पा यानी देवेंद्र जी के बीच में सबके सामने हमेशा झगड़े होते थे, तब सुना है। सर मैं रोज 3 टिफिन लेकर जाता था, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, और 12 दिसंबर को भी मैं गया था, उस दिन रोज की तरह अंकल ने दरवाजा नहीं खोला, मैंने बहुत बार बेल भी बजाई।
अंकल का फोन भी बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। खाना कब से डिलीवर कर रहा है? 7 महीने हो गए। सर बेलगाम में रहते हुए भी मैं अनुराधा के टच में बिल्कुल नहीं हूँ। उसे पसंद ही नहीं है किसी के साथ टच में रहना या बात करना। ऐसा क्यों? सर जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो अपने में ही रहना पसंद करती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप सोचिए, जया मामी के अंतिम संस्कार के बाद जब हम घर आए, वो शुरू हो गई, अनाप शनाप बोलने लगी देवेंद्र मामा जी को। क्या बोल रही थी? यही कि जया मामी की मौत का कारण देवेंद्र मामा जी खुद हैं और मुंबई में जो प्रॉपर्टी है वो उसकी है, उसके नाम कर दी जाए। साहब, 2 सालों से काम कर रही हूँ वहाँ, बीच में छोड़ने का सोचा था लेकिन जया अम्मा और अप्पा के कारण नहीं छोड़ा। काम क्यों छोड़ना चाहते? पागल अनुराधा के कारण साहब। तुम उसे पागल क्यों कहते? वो ऐसी पागल है जो सबको पागल कर देती है। बेचारे बूढ़े माँ बाप को मदद करने के बजाय दिन रात नाटक करती थी, परेशान करती थी। मेम साहब ने उसको कभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, वो नहीं होता पागलों का डॉक्टर। बचपन से थोड़ी सी अलग थी अनु, एक अजीब सी जिद, गुस्सा। जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका ये बर्ताव और भी बढ़ता गया। शादी हुई थी सर उसकी 8 साल पहले, लेकिन 1 साल के अंदर ही वो अपने हस्बैंड से अलग रहने लगी। फिर उसके बाद वो गल्फ में जॉब कर रही थी। गल्फ से क्यों लौटी? सर एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं, लेकिन 2 साल पहले वो वहाँ से लौट आई और तब से उसका बिहेवियर एकदम ही अजीब सा हो गया था। उसे अलग रहना था तो वो जो फ्लैट है देवेंद्र मामा जी का, वो वहाँ शिफ्ट हो गई। अनुराधा का अपने माँ बाप के साथ सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था या कोई और बात भी थी? सर हमारे सामने तो हमेशा इसी बात को लेकर हुआ है। अगर मैं फोन नहीं उठा रही हूँ या काट रही हूँ, इसका मतलब है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इतनी सिंपल सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? अनुराधा जी, कोटिकोर पुलिस स्टेशन से PI गौड़े बोल रहा हूँ। तो आपको लगता है पुलिस वाले तो मुझे आपसे बात करनी चाहिए? आपसे बात करने के लिए हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। हम आपसे आपके अप्पा के बारे में बात करना चाहते हैं। उनके साथ कुछ हुआ है। क्या हुआ? गायब है वो, इज मिसिंग। तो जिसने कंप्लेंट लिखवाई है उसके साथ जाके ढूंढी उन्हें, मुझे फोन क्यों किया? क्योंकि आप उनकी बेटी हैं, इकलौती बेटी। इनफैक्ट ये मिसिंग कंप्लेंट आपको लिखवानी चाहिए थी। मुझे क्या करना चाहिए था या क्या नहीं, ये छोड़िए। आपने अप्पा के घर की चाबी मांगी, मैंने दी, बात खत्म। मैडम बात तो अभी शुरू हुई है और ये बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम आपके अप्पा देवेंद्र शंकर के बारे में पता नहीं लगा लेते, और तब तक प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। चाबियां तो दे दी और क्या कोऑपरेट करूं? अन्नादा जी, हम आपके रिश्तेदार या पड़ोसी नहीं है जिनसे आप डांट डपट कर या अपने मूड के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पुलिस केस हुआ, आपके अप्पा गायब हैं, इसलिए इस केस से आपका ताल्लुक है, आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। अब आप सीधे सीधे ये बताइए कि आप खुद आएंगे या आपको उठवाने के लिए यहाँ से टीम भेजो। जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। श्रीधर, कहाँ चले गए होंगे देवेंद्र अन्ना? कोई आइडिया नहीं अप्पा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन बेटा, देवेंद्र अन्ना अपने आप से बिना बोले कहीं नहीं जाते। जानता हूँ अप्पा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना। देखो आप टेंशन मत लो, ठीक है? अन्ना, आज मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं भी और एक दो दिन देखता हूँ, फिर मुझे भी लौटना ही होगा। जो चीज आपको मालूम है वो दोबारा सुनकर क्या मिलेगा? मेरा डिस्प्यूट चल रहा है उनके साथ प्रॉपर्टी को लेकर, मेरी प्रॉपर्टी जो वो हड़पना चाहते हैं। और क्या जानना चाहते हैं आप? क्या आपने अपने अप्पा के साथ कुछ किया? मर्डर। आप बताइए। मैं अप्पा का मर्डर क्यों करूंगी? 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए? मेरी अनबन सिर्फ मेरे अप्पा से नहीं बल्कि मेरी अम्मा से भी थी, क्योंकि वो भी मेरी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट बनाना चाहती थी, मेरे नाम नहीं कर रही थी जीते। तो क्या उनका मर्डर भी मैंने किया? लेकिन उनकी तो डेथ हुई लंग फेलियर से। बोलती रहिए। मैं बोल चुकी। राधा जी, आपके अप्पा गायब हैं, कोई खबर नहीं है उनकी, और आपके घर में खून के धब्बे मिले। आपको 500 करोड़ के परे कुछ दिखता है, कुछ सूझता है, कुछ परवाह है आपको?
मेरी परवाह की परवाह करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके अप्पा के साथ क्या हुआ हो सकता है? कहाँ जा सकते हैं? मैं महीनों से नहीं मिली उनसे। क्या आपने अपने अप्पा को गायब करवाया? इंस्पेक्टर आप सवाल रिपीट कर रहे हैं लेकिन मैं जवाब रिपीट नहीं करूंगी। वैसे तो बहुत कम दिखाई देती है अनुराधा, एक दो बार पड़ोसी होने के नाते हाय हेलो क्या कर लिया तो सांप की तरह फन उठाकर अनाप शनाप बकने लगी थी वो। इनके कोई दोस्त आते थे? कहां से आएंगे सर, किसी से सीधे मुंह बात भी तो नहीं करती। दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, किराना वाला सबसे बदतमीजी करती है। अब कोई क्या बोलेगा सर, जया जी और देवेंद्र अंकल इतने अच्छे लोग हैं, उनकी ऐसी बेटी। तुम कैसे जानते हो उन लोगों के बारे में? कस्टमर है सर मेरे, यहीं जहाँ अनुराधा जी रहती है ना, वो उन्हीं का फ्लैट है, उनके माँ बाप का। सारा किराना का सामान यहीं से आके ले जाते हैं। जी जल्दी पहुँच जाएगा जी। अंकल सामान बहुत भारी है, मेरा लड़का डिलीवरी कर देगा ना, यही पास में तो है ग्रेसिस अपार्टमेंट। हाँ बेटा पास में तो है, लेकिन तुम जानते हो ना मेरी बेटी, उसे किसी बाहर वाले का घर आना पसंद नहीं। पहले पहले तो एक दो बार खुद आई थी सामान लेने के लिए, पर मैंने होम डिलीवरी की बात कर दी तो मुझ पर ऐसे बरस पड़ी जैसे पता नहीं मैंने क्या गलत बोल दिया है। पागल है साथ थोड़ी सी वो। हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने अपने अप्पा को अपने घर में छुपाया। नहीं छुपाया। फिर तलाशी में क्या एतराज है? जब मैं बोल रही हूँ नहीं छुपाया तो मानने में क्या एतराज है? Because I don't trust you. मेरा घर है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई गार्डन नहीं है ऐसे घूमने आ जाओगे? ठीक है, गार्डन में घूमने के लिए टिकट लेकर आएंगे, सर्च वारंट। धमकाओ मत मुझे इंस्पेक्टर, मुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा। फिर भी घर की तलाशी से डर लग रहा? और अगर तलाशी के बाद अप्पा नहीं मिले तो? फिर आप हमें बताएंगे कि आपने अपने अप्पा के साथ क्या किया, उनके साथ क्या हुआ? फिर से रिपीट क्वेश्चंस, आपकी कोशिशों में दम नहीं है इंस्पेक्टर, जवाब आपको अब भी नहीं मिलेगा। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है अनुराधा जी, जवाब हम खुद ढूंढ लेंगे आपके घर में। कुछ नहीं मिला। मिले अप्पा? और क्या क्या मिला? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि जब तक आपके अप्पा मिल नहीं जाते हमारी सर्च जारी रहेगी। चार दिन बाद अनुराधा का चचेरा भाई श्रीधर वापस अपने शहर कोची लौट आया। देवेंद्र शंकर का छोटा भाई राजेंद्र अपने बड़े भाई के गायब होने को लेकर दिन ब दिन और परेशान होता रहा। हरिहरण अनुराधा का फुफेरा भाई भी चिंतित रहा। पुलिस ने देवेंद्र शंकर के घर पर 24 घंटे की निगरानी रखना शुरू कर दिया और अनुराधा हमेशा की तरह इस बात से बिल्कुल बेफिक्र थी कि उसके पिता के साथ क्या हुआ होगा। दिन के बाद दिन बीतते गए लेकिन देवेंद्र शंकर की कोई खबर नहीं आ रही थी। पर क्राइम सीन से दूर, लेकिन उतना भी दूर नहीं, कोई ऐसी जगह जहां पुलिस अब तक पहुंची नहीं थी, वहां कुछ चौंकाने वाली बात हो चुकी थी। अभी तक लावारिस ही है डॉक्टर, और इंतजार करने में कोई पॉइंट नहीं इंस्पेक्टर, सड़न काफी बढ़ चुकी है और वैसे भी आधी बॉडी जली हुई है। क्रिमेट कर दें? क्रिमेट कर सकते हैं, मैंने विसेरा और डीएनए सैंपल ले लिए।
जहां एक राज्य की पुलिस एक वृद्ध मिसिंग आदमी की तलाश में जमीन आसमान एक किए जा रही थी, वहीं दूसरे राज्य की पुलिस एक लावारिस लाश की शिनाख्त करवाने में असमर्थ रही थी और अब वो लाश उनके मॉर्ग रूम में बुरी तरह से सड़ने लगी थी। बेलगाम पुलिस को गहरा शक था कि देवेंद्र शंकर के साथ कुछ भयंकर हुआ है और शक की सुई इशारा कर रही थी उन्हीं की इकलौती बेटी अनुराधा की तरफ। अनुराधा जो अपने माँ बाप के साथ काफी अरसे से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर खफा थी और साथ ही अनुराधा के विचित्र और तीखे व्यवहार से सबका परिचय होता जा रहा था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस के हाथों में खूनी लगभग आ ही गया था लेकिन केस अब तक हल नहीं हुआ था। क्या इस जुर्म की जड़ प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे झगड़े में थी या फिर कोई और ही चौंकाने वाला पहलू था जो बहुत जल्द सामने आने वाला था। ये केस परफेक्ट क्राइम साबित होने की कगार पर सांसें ले रहा था लेकिन क्या परफेक्ट क्राइम संभव भी है? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।